चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम, तो लेक्चर नंबर 2 है पार्टिकल फिजिक्स का। तो हमारे पास मास्टर कैडर के कुछ क्वेश्चन है बेटा, तो यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी सिंपल क्वार्क मॉडल। सो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ दी क्वार्क इज 0, लेस देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है। जैसे हमें पता है कि जो क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है, तो क्वार्क कैरीज फ्रैक्शनल चार्जेस। तो उसके बारे में अगर हमने बात करनी है, तो सिंपली बात कर सकते हैं कि क्वार्क मॉडल में हमारे पास 6 तरह के क्वार्क होते हैं। जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है, चार्म होता है, स्ट्रेंज होता है बेटा, टॉप होता है, एंड ब्यूटी क्वार्क होता है। ठीक है जी। सुन, क्वार्क्स की कॉरेस्पॉन्डिंग 2 तरह के फ्रैक्शनल चार्जेस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपके पास फर्स्ट रो है, मतलब अप क्वार्क, चार्म क्वार्क एंड टॉप क्वार्क है आपके पास, तो वहां पे आपके पास क्या आएगा, जो चार्ज होगा वहां पे, ईच क्वार्क विल कैरी प्लस टू थर्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एंड जो डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क या ब्यूटी क्वार्क होगा, दैट विल बी कैरिंग -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये सिंपल सी बात है। तो हम देख लेते हैं इसमें से ऑप्शन कौन कौन सी दे रखी है हमें। तो यहाँ पे इट विल कैरी लेस देन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी, दैट मस्ट बी करेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली काम चला लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाती है। 0 नहीं आएगा बिल्कुल भी यहाँ पे, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी नहीं आएगा, और इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद बात आती है बेटा, हमारे पास दे रखा है बेरियन डिकुपलेट्स वगैरह दे रखे हुए हैं। बेरियन डिकुपलेट की बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन में। सो विद इन एन आइसो स्पिन मल्टीप्लेट, डिफरेंट पार्टिकल्स और पार्टिकल्स डिफर इन पैरिटी, चार्मनेस, चार्ज और बेरियर नंबर। तो इसमें हमें आइसो स्पिन मल्टीप्लेट की बात पूछी गई, कि उनके में कौन कौन सी डिफरेंस और प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखी है बेटा रिगार्डिंग दी बेरियन डिकुप्लेट। तो बेरियन डिकुप्लेट जो है, उसकी एग्जांपल हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा। तो बेरियन डिकुप्लेट पहले बता देता हूँ, स्पिन होती है बेटा 3/2, पैरिटी होती है पॉजिटिव। अगर बेरियन ऑक्टेट होता तो 1/2 पॉजिटिव हो जाता, जो हमारे पास अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, तो वो किसी नेक्स्ट टाइम हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो बेरियन डिकुप्लेट में हमारे पास कितने पार्टिकल होंगे बेटा, 10 पार्टिकल होंगे। डिकुप्लेट है तो 10 ही पार्टिकल आएंगे, तो 10 पार्टिकल डेल्टा पार्टिकल्स हो गए। ठीक है जी। तो इसमें 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, 2+, इसमें 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इसमें हमारे पास 0 मतलब न्यूट्रल पार्टिकल है, इट कैरीज -1 नेगेटिव चार्ज। तो इसमें हमने चूज कर रखा है, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास सिग्मा पार्टिकल्स के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, ये कैस्केड पार्टिकल है, इसमें ओमेगा पार्टिकल्स है। तो अगर आप मान लीजिए आप एक मल्टीप्लेट चूज करते हो, मल्टीप्लेट होता है सिमिलर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। तो यहाँ पे सिग्मा पार्टिकल हो गए हमारे पास σ+, σ0 एंड σ-। तो तीन अलग तीन पार्टिकल्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, जिनका स्पिन जिनका जिनकी आइसो स्पिन सेम रहेगी, और उसका जो थर्ड कंपोनेंट रहेगा I3, दैट विल बी डिफरेंट। तो इसमें मैं हम लिख लेते हैं, दैट विल बी σ+, इसी ऑर्डर में लिखते हैं, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है σ-σ0। तो 3 पार्टिकल है, तो आइसोस्पिन क्या रहेगी, आइसोस्पिन विल बी इक्वल टू 1 यूनिट, एंड उसका जो थर्ड कंपोनेंट रहेगा, दैट विल बी +1, 0 एंड -1। तो 3 कंपोनेंट्स, थर्ड कंपोनेंट के I3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, या जिसको आप T3 भी लिखते हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अभी बात आ जाती है इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। जैसे आप देख सकते हो, एक मल्टीप्लेट के अंदर यहाँ पे चार्ज अलग अलग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे अलग अलग रहेगा। और उसके बाद बात आ जाती है क्वार्क कंटेंट की। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहोगे, क्या लिखोगे, इसका जो चार्ज क्वार्क कंटेंट रहेगा, अप अप एंड अप रहेगा। यहाँ पे एक क्या आएगा बेटा, यहाँ पे अगर लेफ्ट लेफ्ट साइड जाओगे तो एक आपके पास डाउन क्वार्क आता जाएगा। तो इट विल बी अप डाउन एंड डाउन, तो इट विल बी डाउन डाउन एंड डाउन क्वार्क आ जाएगा। एक जैसे नीचे आओगे तो इट विल बी अप अप एंड स्ट्रेंज आ जाएगा। सो इट विल बी अप डाउन एंड स्ट्रेंज, इट विल बी डाउन डाउन एंड स्ट्रेंज। तो इसके नीचे आओगे तो इसका क्वार्क कंटेंट क्या होगा, इट विल बी अप स्ट्रेंज स्ट्रेंज, इट विल बी डाउन स्ट्रेंज स्ट्रेंज, और इसका जो क्वार्क कंटेंट रहेंगे, दैट विल बी स्ट्रेंज स्ट्रेंज एंड स्ट्रेंज।
तो ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट आप कैसे आएंगे, तो जैसे मैंने बता दिया कि अगर आप सेम मल्टीप्लेट की बात करोगे, सिग्मा की बात करोगे, सिग्मा पार्टिकल्स की बात करोगे, तो वहां पे आपके पास जो क्वा कंटेंट है, आप अप एंड स्ट्रेंज, अप डाउन एंड स्ट्रेंज, डाउन डाउन एंड स्ट्रेंज आ रहा है, तो मतलब क्वा कंटेंट भी अलग रहता है। सो क्वा कंटेंट विल बी डिफरेंट। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, बेरियन डिकुप्लेट है तो स्पिन रहेगी 3/2 और पैरिटी रहेगी पॉजिटिव, मतलब सबके लिए पैरिटी सेम रहेगी, ठीक है जी। तो जितने भी बैरियन है, अगर लोअर एंगल, लोएस्ट एंगल मोमेंटम स्टेट की बात करोगे, तो पैरिटी क्या आएगी, -1 raised to power L, सो -1 raised to power 0, मतलब पॉजिटिव पैरिटी। तो पैरिटी सबके लिए सेम हो गई बेटा। स्ट्रेंजनेस जैसे मैंने आपको बता ही दिया, अगर सेम फैमिली के बिलोंग कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, स्ट्रेंजनेस इसकी कितनी है, -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर ओमेगा पार्टिकल होता तो S = -3 होता, अगर कैस्केड है तो -2 है, अगर डेल्टा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है बेटा। तो सबके लिए स्पिन अलग अलग है, सॉरी स्ट्रेंजनेस अलग अलग है, लेकिन विद इन वन फैमिली सिग्मा पार्टिकल्स आपके पास अगर आइसोस्पिन मल्टीप्लेट है तो आइसोस्पिन स्ट्रेंजनेस जो है सेम ही आएगी, तो स्ट्रेंजनेस विल बी सेम। अब बात आती है हाइपर चार्ज की। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइपर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। हाइपर चार्ज हर एक फैमिली के लिए सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज हर फैमिली के लिए अलग, सेम फैमिली में अलग अलग रहेगा। सो हाइपर चार्ज सारे मेंबर्स के लिए सेम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका हाइपर चार्ज कितना रहेगा, जैसे हाइपर चार्ज ये वाली वाई बना रखा है यहाँ पे, इसको हाइपर चार्ज का नाम दिया जाता है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो हाइपर चार्ज सेम सा रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हाइपर चार्ज होता क्या है। हाइपर चार्ज आपके यहाँ पे बी प्लस एस के बराबर होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसका एक्सप्रेशन, व्हाट इज हाइपर चार्ज, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बेरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस नंबर। तो यहाँ बेरियन नंबर जैसे हमने बता देख ही लिया, अगर बेरियन नंबर, बिकॉज दीज आर ऑल बेरियंस, तो सबके लिए बेरियन नंबर कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो यहाँ पे बेरियन नंबर सबके लिए 1 ही रहेगा। These are all baryons. Mesons के लिए baryon number 0 हो जाता है, mesons अलग होते हैं, वो quark and antiquark का pair रहेगा। तो ये baryon number क्या है? अगर तीन quark इकट्ठे हैं तो वो baryon बन जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे तीन पार्टी क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन है हर एक पार्टिकल के अंदर, तो बेरियन नंबर 1 हो गया, तो बेरियन सबके लिए सेम हो गया। तो बाकी जितना अगर स्ट्रेंजनेस सबकी अलग अलग होगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपर चार्ज अलग अलग आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेरियन नंबर सेम हो गया, तो बी प्लस एस यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, इट विल बी 1, ठीक है जी। इस यहाँ पे बी प्लस एस कितना बन गया, इसके लिए हमारे पास बनेगा इट विल बी 1 - 1, आंसर आएगा 0। यहाँ पे बी प्लस एस कितना बन गया, इट विल बी 1 - 2, इट विल बी -1 हेयर, एंड इट विल बी, इसके लिए बी प्लस एस इट विल बी 1 - 3 - 2 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसी चीजें आपके पास आ जाएगी, मतलब एक फैमिली के अंदर, एक आइसोस्पिन मल्टीप्लेट के अंदर जो आपके पास हाइपर चार्ज है वो सेम रहेगा, लेकिन जो चार्ज है वो अलग अलग रहेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, तो बेरियन नंबर भी मैंने आपको बता ही दिया, सारे के सारे बेरियंस हैं, 3-3 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बेरियन बोला जाता है, ठीक है। तो बेरियन नंबर यहाँ पे आपके पास आ जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो सारे के सारे हमने बात कर लिया, पैरिटी सेम, स्ट्रेंजनेस सेम, हाइपर चार्ज बेरियन नंबर हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज भी आपके पास, इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंट हो गया, क्वार्क कंटेंट यहाँ पे डिफरेंट हो गया। अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या पूछा गया है। तो जो अगर क्वार्क, किसी भी एक चीज में बतानी भूल गया, गैलमैन निशिजमा फॉर्मूला होता है बेटा, अगर जो इन सबको रिलेट करता है, चार्ज को आइसोस्पिन I3 को एंड 1/2 ऑफ दी हाइपर चार्ज, तो हाइपर चार्ज एंड चार्ज के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, आपको पूछा भी जा सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। पहली ऑप्शन है आपके पास, दे रखी है बेटा पैरिटी, पैरिटी सेम होती है, डिफरेंट नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो गया। आइसोस्पिन मल्टीप्लेट में चार्मनेस हो, स्ट्रेंजनेस हो, वो भी सेम रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज अलग अलग होता है, ये हमारे लिए ऑप्शन बन गया। तो बेरियन नंबर बन गया, तो बेरियन नंबर सबका सेम होता है, तो ये ऑप्शन गलत होगी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा बेटा, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन है जो हमने पहले भी न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस कर रखा है, पॉजिट्रॉनियम का सिंपल सा क्वेश्चन है, घुमा फिर आके पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें दे रखा है कि हाइड्रोजन लाइक अगर आप पॉजिट्रॉन को कंसिडर करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन अगर मान लें कि हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन
पॉजिट्रॉन, ये मतलब इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बाउंड स्टेट, ठीक है जी। इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? सो सिंपल सा आंसर है, अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा होगा तो हमारे पास काम करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, स्ट्रेट आंसर आ जाएगा। हमें पता है कि हाइड्रोजन अगर लाइक एटम के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपल सा काम होता है कि उसकी जो एनर्जी स्पेक्ट्रम आएगा हाइड्रोजन लाइक एटम का -13.6 × Z² / N² अगर लिथियम पूछ लिया जाता तो Z=2 कितना हो जाता बेटा, 3 हो जाता, ठीक है जी। तो लिथियम अगर प्लस प्लस पूछ लिया जाए तो दैट इज Z=3, तो उसके जो एनर्जी स्पेक्ट्रम आएगा वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, ठीक है जी। तो एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द पॉजिट्रॉनियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन प्रोटोन के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास के कॉरेस्पॉन्डिंग घूम रहा है, ठीक है। दे आर मूविंग अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो है नहीं तो हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम भी बनेगा तो Z=1 ले लेंगे हम यहाँ पे। और हमारे पास बिकॉज रिड्यूस्ड मास अलग हो जाएगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप प्रीवियस लेक्चर चेक करोगे तो जो एनर्जी स्पेक्ट्रम आएगा पॉजिट्रॉनियम का दैट विल बी 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन एटम बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड मास। इसका रिड्यूस्ड मास जो है, जो मास है वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। सो इट विल बी इक्वल टू -13.6 / 2 कितना हो गया बेटा, 6.8 बन गया, Z=1 हो गया, तो वो वाला काम हमारा सिंपल हो गया Z/N², तो ये वाला फैक्टर हमारे पास बचेगा। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालोगे या बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे मतलब सेम ही है, तो ग्राउंड स्टेट और बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारे पास सिंपल सा ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें पूछा क्या है, हमें ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम 13.6 / 2 मतलब 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बना दिया लेकिन नेगेटिव साइन नहीं लगाया तो ऑप्शन गलत, बाइंडिंग एनर्जी है बेटा नेगेटिव होगा। तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है हमारे पास 13.6 / 1810 वो भी गलत है। तीसरी ऑप्शन है 13.6 × 1810 वो भी ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगी, एंड इन विचों कोई भी नहीं मतलब नन ऑफ दीज, तो इनकी इनमें से हमारे पास क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर डी बचेगा। सो नन ऑफ दी अबव, तो हमारे पास ऑप्शन डी बचेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।